मल्टीप्लेक्सेस छोटे बजट की फिल्मों के लिए वरदान साबित हो रहे हैं, क्योंकि इन मल्टीप्लेक्सेस के आने से छोटे बजट की फिल्मों को काफी मुनाफा हो रहा है। जितनी अधिक संख्या में आजकल मल्टीप्लेक्सेस बन रहे हैं, उतनी ही अधिक संख्या में लो बजट की फिल्में भी बनाई जा रही हैं। और कई बार तो फिल्में बनाई ही इसी उद्देश्य से जाती हैं कि उन्हें मल्टीप्लेक्सेस में रिलीज किया जा सके। साल 1997 में भारत में मल्टीप्लेक्स सिनेमा घरों का कॉन्सेप्ट आया और इसके साथ ही दी गई मल्टीप्लेक्स ऑडियंस और मल्टीप्लेक्स मूवीज जैसी परिभाषाएं, यानी इंग्लिश छोटी बजट फिल्में और हटकर फिल्में बनने का चलन। अगर फिल्मी भाषा की बात करें तो मल्टीप्लेक्स कल्चर का जन्म। अगर ये मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल नहीं होते तो शायद ही ऐसी कई फिल्में होती जो अपने बड़े पर्दे की ओर रुख नहीं कर पाती। ये बात सच है कि 3 साल पहले अगर रघु रोमियो बनी होती तो वो रिलीज नहीं होती, क्योंकि यू कैन नॉट रिलीज इट आई थिंक इन अ बिग थिएटर। इफ यू डू इट रन फॉर 1 वीक एंड पैक अप, यू नो, बट इन अ मल्टीप्लेक्स इट हैज अ चांस ऑफ सस्टेनिंग अ रन। और पिछले 2-3 सालों से कुछ फिल्म काफ़ी फिल्में बनाई जा रही हैं जो कि खाली मल्टीप्लेक्सेस को लेकर के दिमाग में बनाई जा रही हैं, विच इज़ गुड। आई थिंक ऑडियंस हर तरह की है हिंदुस्तान में, और अब ऐसा प्रेशर नहीं रह जाएगा लोगों पे कि एक ऐसी फिल्म बनाई जाए जो कि सबको पसंद आए। ये बात तो सच है कि कई फिल्में मल्टीप्लेक्स सिनेमा घरों की मोहताज हैं, जिसकी वजह है इन थिएटर्स में फिल्मों को रिलीज करना डिस्ट्रीब्यूटर्स के बजट में आसानी से समा जाता है। साथ ही एक खास वर्ग है जो इस तरह की फिल्मों को पसंद भी करते हैं, फिर चाहे वो झनकार रिलीज हो, रूल्स प्यार का सुपरहिट फॉर्मूला या फिर मिस्टर एंड मिसेस अय्यर। जब स्मॉल बजट फिल्म्स हो रही है, नंबर इज इंक्रीजिंग, क्योंकि हर छोटी बजट मूवी के लिए, जिन्हें हम लोग नॉर्मली मल्टीप्लेक्स फिल्म्स कहते हैं, उनको स्क्रीनिंग के लिए एक्सपोजर काफ़ी मिल रहा है, तो ज़्यादा फिल्म भी बन रही हैं, और क्योंकि एक्सपोजर भी काफ़ी मिल रहा है, एज अ रिजल्ट मुनाफा भी हो रहा है। और ऑडियंस के टेस्ट हैं अलग अलग हैं, हर सिटी में कुछ कुछ प्रोपोर्शन ऑडियंसेस हैं जो छोटे बजट की एज मल्टीप्लेक्स फिल्म प्रेफर करते हैं। मर्डर कहते हैं। मल्टीप्लेक्स सिनेमा घरों ने एक नए चलन को तो जन्म दिया है ही, साथ ही उन्होंने फिल्म जगत में भी अपनी पहचान बना ली है, और अब ये पहचान हर शहर में तेजी से जगह बनाती जा रही है। क्या फील कर रहे हैं? शुचि स्मिता, सहारा समय, दिल्ली। मल्टीप्लेक्सेस यानी कि मौज मस्ती, सीट ऐसी जो कि बेड में बदल जाए, बटन दबाते ही खाना पीना सब हाजिर, और इंटरवल के दौरान एक अट्रैक्टिव लाउंज में थोड़ा सा आराम। इस नए दौर के नए फिल्म वॉचिंग में आपका स्वागत है। गुजर गए वो दिन जब एक फिल्म देखने के लिए आपको सिनेमा हॉल तक आना पड़ता था। अब फिल्म वॉचिंग अपने आप में एक अलग अनुभव है, और इस अनुभव को देने के लिए सिनेमा हॉल के ओनर्स अपने अपने मल्टीप्लेक्सेस में नए नए फीचर्स जोड़ रहे हैं। लाउंजेस। अगर मल्टीप्लेक्स हॉल्स की यूएसपी की बात की जाए तो सबसे पहले दिमाग में यही आती है। आप कनॉट प्लेस के पीवीआर प्लाजा के लाउंज को ही लीजिए, जिसमें न केवल आप इंटरवल के दौरान संगीत का लुत्फ उठा सकते हैं, बल्कि पुरानी फिल्म्स के पोस्टर्स भी देख सकते हैं। 1960 के दशक में बने प्लाजा को 2004 में पीवीआर सिंगल स्क्रीन मल्टीप्लेक्स में बदला गया था। प्रोड्यूसर बनाते हैं, बट उसको किस तरह से प्रेजेंट करते हैं, किस तरीके से ओवरऑल होलसम एक्सपीरियंस जो हम दे सकते हैं वो देने की कोशिश। लाउंजेस की बात हो और नोएडा में स्थित वेव सिनेमा की प्लैटिनम लाउंज की बात कैसे ना हो। वेव सिनेमा की खासियत है यहाँ की विशेष आरामदेह सीट, हालांकि इसके लिए आपको 500 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। साथ कुछ खास सुविधाएं भी हैं, जैसे कि आप बटन दबाकर खाने का ऑर्डर दे सकते हैं। पीवीआर गुड़गांव में यूरोपा सिनेमा में जाने वाले लोग यूरोपा लाउंज का लाभ उठा सकते हैं। 200 रुपए की टिकट में फिल्म के दौरान आप एक लेमनेड ड्रिंक पी सकते हैं, और साथ में यूरोपा लाउंज में 20% डिस्काउंट भी मिलता है। पर पीवीआर के तुषार का मानना है कि उनकी यूएसपी लाउंज तक ही सीमित नहीं है। You would not see a grumpy ticket usher. You ask him something, he will know about the movie, he might recommend a movie to you.
पर्सन एट द काउंटर्स उनको बहुत इंफॉर्मेशन होती है. दे नो मोर अबाउट द मूवी. दे कैन से दे कैन रियली टेल यू कि हाँ हैव यू लाइक हैरी पॉटर 3. दे कैन टेल यू लाइक अगर आपने हैरी पॉटर 1-2 देखी आपको 3 भी अच्छी लगेगी, या 3 नहीं देखी तो 3 में क्या है जो आपको अच्छा लगेगा. तो क्या हुआ अगर डीटी सिनेमाज के पास लाउंजेस नहीं है? डीटी सिनेमाज की सीईओ काजल एजाज का कहना है कि उनकी विशेषता कुछ और है. जो हमारे कंज्यूमर्स हैं उनसे हमें आइडिया भी लगा है कि वो डीटी सिनेमाज को एक बहुत ही ओपन इसका जो प्रोजेक्ट रिलेटेड एस्थेटिक्स है उसको बहुत पसंद करते हैं. जो हमारी ग्लेजिंग है, जो हमारा खुला एटमोसफियर है, यू नो, जो लाइट कलर्स हैं, एंड सबसे ज़्यादा पॉजिटिव फीडबैक हमें मिलता है हमारे फूड का. आने वाले दिनों में इन विशेषताओं की सूची कुछ लंबी होती नजर आ रही है. पीवीआर एक मैगजीन पीवीआर मूवीज फर्स्ट लॉन्च कर रहा है और डीटी सिनेमाज अपने नए हॉल्स में बच्चों के लिए क्रेश खोल रहे हैं. देखने में ये चाहे सब मामूली हथकंडे लगे पर असल में ये सब फिल्म वॉचिंग को एक पूरा सुखमय अनुभव बनाते हैं. शैलजा त्रिपाठी, सहारा समय, दिल्ली. सिनेमा के बदलते अस्तित्व को मल्टीप्लेक्सेस ने एक नई पहचान दी है और इस पहचान को संजोने के लिए हमने आपके लिए तैयार किया ये खास कार्यक्रम. उम्मीद है आपको ये स्पेशल शो काफी पसंद आया होगा. सहारा प्रणाम.